मंडल कार्यालय में उत्तर पश्चिमी रेलवे महिला कल्याण संगठन अजमेर के तत्वावधान में महिलाओं हेतु हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तर पश्चिमी रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा प्रतिभा कश्यप द्वारा किया गया। इस हेल्थ चेकअप कैंप में मंडल अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर उत्तर पश्चिमी रेलवे महिला कल्याण संगठन के अन्य पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में महिला रेल कर्मचारी उपस्थित थे। शिविर हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लगाए हैं कि महिलाओं के अपने हेल्थ के प्रति उतने ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो इसलिए हम लोग शिविर लगाए हैं कि और घर परिवार ऑफिस की जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए अपने हेल्थ के प्रति भी जागरूक रहें। इसलिए हम लोग मंडल रेल चिकित्सालय से डॉक्टर लोगों को इन्वाइट करके बुलाकर और लगवाए हैं शिविर की महिलाएं जागरूक रहें अपने हेल्थ के प्रति, क्योंकि महिलाएं अपने हेल्थ की अनदेखी कर देती हैं, तो इसलिए आज हम लोग शिविर लगाए हैं। और कितने दिन चलेगा ये शिविर? नहीं, आज ही भर एक दिन के लिए हम लोग लगाए हैं। कितने लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं? अभी तो 50 लोग फायदा उठा चुके हैं इसके। मैं किस तरह की वो इसमें सुविधा दे रही, क्या चेकअप हो रहा है इसमें? जो प्राइमरी हेल्थ चेकअप है, बीपी, शुगर, वेट, ये सब जो प्राइमरी जिस पर जिसकी महिलाएं अनदेखी कर देती हैं, वो डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, वेट है, ये सब। रेलवे के स्टाफ वाले हैं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ रेलवे के लिए। हम लोग अजमेर मंडल महिला कल्याण संगठन के तरफ से रेलवे के महिला कर्मियों के लिए, उनको जागरूक बनाने के लिए, अपने हेल्थ के प्रति सजग रहें और जागरूक रहें, इस शिविर का आयोजन किए हैं। पहली बार लगाए क्या? पहली बार लगाए? लास्ट ईयर, हाँ पिछले बार भी लगा था, तो मैं तो इस बार।